ये जो पूरा डाउकी का रास्ता दिखाई दे रहा है, और फिर ये पीछे देखो चेरापूंजी का रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी हम लोग जाए हैं ना डाउकी और चेरापूंजी के बीच में है। तो नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक्स माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ मोरो विलेज में, जो कि चेरापूंजी का रोड में है। तो ऐसे तो हमको कुछ पता नहीं था जो आज मोरो विलेज में जाए, तो अचानक हम लोग का डिसीजन हुआ था। तो अभी मैं मोरो विलेज में जाने के लिए निकल गया और काफी रास्ता तो आ गया, जो कि चेरापूंजी रोड से हम लोग बाईपास रोड पकड़ के लगभग 10 किलोमीटर आ गया, और अभी 4-5 किलोमीटर जाना है तो हम लोग को मोरो विलेज मिल जाएगा। तो मोरो विलेज में मैं जा ही रहा था, रास्ते में हमको इतना अच्छा व्यू मिला जो मुझे लगा आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं ये जो व्यू है ना, ये चेरापूंजी का है। जो हम लोग चेरापूंजी जाता है तो चेरापूंजी जाता है इसी रोड में, इधर होकर चेरापूंजी का रोड है। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं मोरो विलेज में, यानी कि चेरापूंजी रोड का ठीक ऑपोजिट साइड में है। तो ये हम लोग का रोड हो गया जो इसमें हम लोग जाएगा मोरो विलेज में। तो जाते जाते हम लोग को ये व्यू मिला था। अभी हम लोग चलते हैं मोरो विलेज में, और मोरो विलेज में जाके आप लोग से फिर मिलते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो। तो गाइस फाइनली हम लोग ब्रिज में पहुंच गए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं फिलहाल ब्रिज में खड़ा हूँ, और ब्रिज तो काफी डेंजरस है। तो चलो डेंजरस जगह में जाते हैं। आपकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी। असली मजा तो अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखो पूरा ब्रिज हिल रहा है, जो कि काफी मजा आ रहा है और डर भी लग रहा है। तो ये ब्रिज देखने में भी जितना खूबसूरत है ना, इतना भी डेंजरस है, अभी कभी भी कुछ हो सकता है। तो अभी देखो जोर से हवा आ रहा है, तो ब्रिज भी तोतरा हिल जाए तो मतलब काफी डर। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। हम लोग जहाँ है ना, ये इस जगह का व्यू काफी अच्छा लग रहा है, और बहुत तेज हवा आ रहा है। तो आप सामने तरफ देखो कितना प्यारा सा व्यू है। तो ये व्यू में ना आप जितना टाइम बैठोगे आपको इतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी प्यारा व्यू है। हाँ। जगह का व्यू को आप लोगों तो पूरा देखा है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है और थोड़ा टाइम उधर बैठना चाहिए, लेकिन टाइम भी बहुत कम थी, ज्यादा बैठ नहीं सकता। तो गाइस मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस जगह का अभी तो कोई वीडियो नहीं बना हिंदी में, जो कि लोकल लैंग्वेज में है, काशी में है, इसलिए टूरिस्ट लोग ज्यादा नहीं आता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आप लोगों को हिंदी में वीडियो बना के दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा जगह है, आप लोग इधर आसानी से घूमने के लिए आ सकते हैं, जो कि आप लोगों को चेरापूंजी जाने का टाइम है, आप आराम से आ सकते हैं। आपको लगभग 2 घंटा चाहिए, 2 घंटा टाइम लेकर आप ये जगह विजिट करके फिर आप दूसरा जगह में जा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज एक बार इस जगह में आइए और इस जगह का एक बार व्यू का मजा लीजिए, जो कि काफी प्यारा सा व्यू है। तो आप लोग इसका भी मजा ले सकते हैं। काफी टाइम बिता के बाद अभी हम लोग घर जाने वाला है। तो अभी हम लोग फिलहाल तो ब्रिज का नीचे आया, और नीचे का एक बार आप लोगों को ब्रिज का ऊपर का व्यू देखा था, तो आप लोग देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और फिलहाल तो ब्रिज का काम अच्छे से नहीं हुआ, अच्छा से होने के बाद आप लोग को और भी अच्छा लगेगा। और आज जो ये ब्लॉग में हम लोग जो आया था उधर इंजॉय करने के लिए, काफी बहुत इंजॉय किया, तो काफी बहुत मजा भी आया। तो अभी हम लोग बहुत टाइम बिता लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर में। तो चलो अभी हम लोग रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अभी इतना खूबसूरत व्यू को हम लोगों को चढ़ के मतलब बाय बाय करने का टाइम आ गया, क्योंकि काफी टाइम हो गया हम लोग उधर है। अभी हम लोग को शिलांग फिर जाना है, तो हम लोग शिलांग जाने के लिए अभी रोना हो गए। एक्चुअली हम खुद को ये व्यू को चढ़ के जाने का कोई मूड ही नहीं है, क्योंकि इतना प्यारा सा है। देखो आप पीछे से भाई, ये जो पूरा डाउकी का रास्ता दिखाई दे रहा है, और फिर
ये पीछे देखो चेरापुंजी का रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी हम लोग जो है ना डाउकी और चेरापुंजी के बीच में है। तो डाउकी और चेरापुंजी के बीच में जो ये जो व्यू है ना, मतलब दोनों साइड में पूरा खाई खाई दिखाई देता है, मतलब दो साइड का ये डाउकी चेरापुंजी के बीच में ही है और दोनों साइड का व्यू दिखाई देता है। तो इसको छोड़ के हम लोग को जाने का मन नहीं करे, लेकिन क्या और गाइस ये जो ना इतना खूबसूरत व्यू तो एक ही वीडियो में दिखाने का पॉसिबल नहीं है और कैमरा भी हम लोग दिखा नहीं सकते। तो गाइस आप लोग अगर शिलोंग में विजिट करते हैं ना तो डाउकी चेरापुंजी के साथ साथ इस प्लेस को भी विजिट कीजिए, जो कि काफी अच्छा लगा, काफी खूबसूरत व्यू है। तो शिलोंग का रास्ता में जाने का टाइम में रास्ते में मतलब इतना एक छोटा सा प्यारा सा बस्ती आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। तो इस बस्ती में हम लोग थोड़ा बहुत रुके, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बस्ती में। तो आप लोग एक बार देख लीजिए मेरे पीछे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा है और ये बस्ती मुझे बहुत ही पसंद है। तो आज का ये जो ब्लॉग से मैं यही तक एंड करते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे न्यू कोई ब्लॉग्स में न्यू कोई लोकेशन के साथ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया, तो इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नया कोई मेरे चैनल को विजिट करे तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और हम लोग फिर मिलेंगे न्यू कोई ब्लॉग्स में न्यू कोई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड।